दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और आप हमारे साथ हमेशा जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों माफ करना, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई जाएगी, लेकिन इस वीडियो के में सारी चीजें हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं कि क्यों ऐसा है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्लीज प्लीज प्लीज, जिससे आपको वो सारी जानकारी मिल सके कि ऐसा क्यों है जो एंड्रॉयड या आईफोन में बैटल हमेशा होता रहता है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसी चीजें जो सिर्फ एक एप्पल का आईफोन ही कर सकता है, आपका एंड्रॉयड फोन नहीं कर सकता है। जी हाँ, अगर आपको एंड्रॉयड फोन की खूबियां जाननी है जो आईफोन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है लिंक ऊपर जाके क्लिक जगह से देख सकते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी बताई हैं जो आपका 1 लाख का आईफोन है वो नहीं कर सकता है, और आपका 5 या 6 हजार का जो एंड्रॉयड फोन है वो डेफिनेटली कर सकता है। तो उस वीडियो को जरूर देखना अगर आप वो नहीं देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बताते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आईफोन कर सकता है और एंड्रॉयड नहीं कर सकता है। तो पहली बात करते हैं, पहला काम बताते हैं आईफोन का, वो है एप्पल का जो iOS होता है उसका। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका iOS और जो एप्पल है उसका जो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये दोनों ही एप्पल ही बनाती है। यानी उसकी खुद की चिप है, खुद का हार्डवेयर है, खुद की बैटरी, सब कुछ उसका खुद का है। इस वजह से उसे मालूम है कि हमारा सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर को कितना सपोर्ट करता है, कहाँ कहाँ हमें इस पर कमी है, वो सब कुछ पता लगा देता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड फोन्स देखेंगे, अभी तो खैर गूगल पिक्सल आ चुका है, उसकी बात छोड़ देते हैं, बाकी जो एंड्रॉयड फोन्स हैं उनका किसी कहीं की ईट कहीं का अरोड़ा वो वाला हिसाब हो जाता है। यानी बैटरी किसी की है, बैटरी LG की है, सैमसंग ने स्क्रीन बनाई है, किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है, ये लोग मिलजुल के एक आईफोन बनाते हैं। कहने का मतलब एक आईफोन का लुक देने की कोशिश करते हैं एक एंड्रॉयड डिवाइस को। जैसे आपने Xiaomi का Mi A1 देखा होगा, बिल्कुल आईफोन 7 प्लस की तरह है, यानी फुल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो कॉपी क्यों करते हैं? उसकी पॉपुलरिटी की वजह से। आपको अच्छी तरह पता होगा आईफोन अगर कहीं कोई बंदा कान पे लेके खड़ा हो जाता है तो उसकी बात अलग हो जाती है। ये लोग कहते हैं ऐसा थोड़ा बहुत है भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब बंदा जरूरी हो आईफोन ओरिजिनल ही हो, नकली भी हो सकता है। 6 या 7 हजार रुपये में नकली आईफोन भी मिलते हैं, तो हर जगह जो है नकली माल भी है, ऐसी बात नहीं है, सब जगह असली हो। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे iOS की और एप्पल के हार्डवेयर के बारे में। iOS सॉफ्टवेयर ऐसा है, और इसमें बहुत ज़्यादा है, आप कोई भी चीज़ भेजेंगे, मान लीजिए कोई कंपनी है अपने पास भेजती रहती है फलाना चीज़ खरीदिए फलाना चीज़ खरीदिए, लेकिन एप्पल में ऐसा ऑटोमेटिक स्पैम फिल्टर होता है, वहाँ पर अगर आप कोई फालतू मैसेज भेजेंगे तो जो आई मैसेज वाला जो मैसेज ऑप्शन हो जाता है वो ऑटोमेटिक इसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है। जैसे कि आपका जीमेल आईडी में एक स्पैम फोल्डर होता है, जैसे अनवांटेड मैसेज होते हैं, आप सिलेक्ट कर दीजिए, उसे ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, उसके मैसेज कॉल यानी आपके जो भी उसकी रिलेशंस होंगे उस नंबर से या उस कंपनी से, ऑटोमेटिकली वो अनवांटेड हो जाएंगे, वो आपके पास दोबारा आपको नॉक नॉक नहीं कर पाएगा। तो दूसरी बात करते हैं आई मैसेज की। आई मैसेज एक ऐसा मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ एप्पल में ही काम करता है, और ज़्यादातर जो लोग इसके जो कनेक्ट रहते हैं एप्पल वाले, वो सिर्फ इसके आई मैसेज की वजह से ही है। मैंने कई लोगों से पूछा, भाई मैंने कि आप एप्पल ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, मैंने आपके iPhone 4S भी देखा और iPhone 6 भी आप ले रहे हो, iPhone 8 भी आप ले रहे हो, और कई लोग iPhone 10 ले रहे हैं, रिसेंटली उन्होंने लिया है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे इसका आई मैसेज बहुत पसंद है। आई मैसेज क्या है समझ में दोस्तों? एक तरह का व्हाट्सअप जैसा फीचर है, जैसे हम व्हाट्सअप सभी पे, व्हाट्सअप जो है आपका एंड्रॉयड पे भी काम करता है, वही iOS पे भी काम करता है, वैसे ही आई मैसेज जो होता है जिसमें आपने देखा होगा उसमें शक्ल बना बना के इसने एडवर्टाइज किया था, मतलब कहीं बंदर जैसी शक्ल बनाओ बोल बोल के, इस प्रकार के जो मैसेजेस होते हैं वो सिर्फ एप्पल टू एप्पल डिवाइसेस पे ही काम करते हैं। यानी एक बंदा जो एप्पल का फ़ोन रखता है वही उन मैसेजों का जवाब दे सकता है। जैसे ब्लैकबेरी का BBM था लेकिन उन्होंने एंड्रॉयड पर उसको लॉन्च कर दिया था, लेकिन आई मैसेज जो है सिर्फ अभी तक उसकी जो पहुंच है वो सिर्फ एप्पल टू एप्पल डिवाइसेज है। एप्पल वाले बंदे जो एप्पल चलाते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात रह जाती है
कि मैं सिर्फ चाहता हूँ सिर्फ उस बंदे से बात करना जो सिर्फ एप्पल का डिवाइस यूज करता हो। तो जिसने आई मैसेज यूज किया है, मैं बता रहा हूँ आई मैसेज एक बहुत अच्छी ऐप है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आईफोन में काम करता है और काफ़ी ऐसे बहुत अच्छे फंक्शन है, जैसे कि आप उससे पैसे भेज सकते हैं। आपके व्हाट्सअप है उसमें अभी तक ऐसा कोई फंक्शन नहीं आया है, व्हाट्सअप मनी वाला आने वाला है फ्यूचर में, कुछ पता नहीं, लेकिन आई मैसेज में जैसे किसी को $5 $10 $5,000 $10,000 जैसी जैसी उसकी देश की मुद्रा हो उस हिसाब से आप उसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल फ्री है। ओके, तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है सीरी। जी हाँ, सीरी। सीरी एक गूगल वॉइस की तरह ही सॉफ्टवेयर होता है। इसके माध्यम से आप वो सब चीज़ कर सकते हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपने सीरी से कहा जो भी बटन दबा के कि मतलब मेक एक टाइम, डिनर, कैलेंडर की टाइम, जो कुछ भी करना है ऑटोमेटिकली उसका इकोसिस्टम होता है, वो सिर्फ सीरी ही उसको कैच कर सकती है। लेकिन आप एंड्रॉयड में लगभग सीरी के लगभग 70-80% काम जो है वो गूगल वॉइस नहीं कर पाती है। सीरी डे बाई डे इम्प्रूव हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गूगल वॉइस इम्प्रूव नहीं हो रही है। वो भी जो गूगल असिस्टेंट उन्होंने अपडेट करके निकाला है वो भी इम्प्रूवमेंट में है, लेकिन अभी सीरी को मात देने के लिए तैयार या अपग्रेड नहीं हो पाया है। सीरी की जो है उसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। सीरी जो है वो देश विदेशों में सब जगह पाया जाता है, मतलब पाए जाते का मतलब ये है कि देश विदेशों में ज़्यादातर लोग सीरी का ही इस्तेमाल किए हैं। आपने सीरी का ऐड देखा होगा, हर जगह आप सीरी से आप पूछ सकते हैं। एक बॉस असिस्टेंट होता है जिससे मतलब कि स्कोर पूछना है आपको, वेदर पूछना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक होटल बुक करना है आपको, फ्लाइट बुक करनी है, आपका अलार्म सेट करना है, टॉर्च जलानी है मोबाइल की, ऑटोमेटिकली आप फ़ोन को छुएं भी नहीं, बस हे सीरी बोल दीजिए, वो ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। वैसे ही ओके गूगल करता है, लेकिन उतना नहीं कर पाता जितना कि सीरी एप्पल में करता है। तो यहाँ पर एक सीरी एक एडवांटेज हो जाता है iOS यूजर्स के लिए, वो यूज टू हो जाते हैं, इस वजह से वो चिपके रहते हैं कि मुझे भाई आईफोन ही चाहिए, चाहे आईफोन 7 हो, आईफोन 8 हो, आईफोन X हो, जो भी हो, पैसे में से ले जाओ, लेकिन मुझे आईफोन ही चाहिए। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिस वजह से उन लोगों को आईफोन ही आईफोन चाहिए होता है और आईफोन ही पसंद करते हैं। तो अगली बात करता हूँ मैं ऐप्स ओवरलोडिंग की। जी हाँ, आप इसमें ऐप्स ओवरलोड नहीं कर सकते। ऐप्स ओवरलोड करने का मतलब ये है, जैसे कि गूगल का प्ले स्टोर होता है वैसे ही एप्पल का ऐप स्टोर होता है। आपको जो ऐप स्टोर में, जैसे प्ले स्टोर पे आपने क्या किया कि जैसे कोई ऐप आपको अच्छी पसंद आई, वो है 50-60 रुपये की या 200 रुपये की अच्छी ऐप है, तो आपने क्या किया गूगल पे सर्च किया और उसकी APK डाउनलोड कर ली इधर उधर से, और डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर ली, ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। लेकिन एप्पल में ऐसा कुछ भी नहीं है, एप्पल आपको कोई किसी प्रकार की आज़ादी नहीं देता है। इसका एक कारण है, मैं बताता हूँ। ऐप स्टोर पर जो चीज़ें हैं, अगर कोई ऐप 100 रुपये की है तो आपको वो 100 रुपये देकर ही खरीदनी पड़ेगी। कोई प्रो ऐप है तो आपको प्रो ऐप परचेज ही करनी पड़ेगी। कोई गाना म्यूजिक है तो वो म्यूजिक आपको खरीद कर ही आप प्ले कर सकते हैं एप्पल म्यूजिक में, वरना आपको iTunes से ही सर्च करना पड़ेगा। इसका एडवांटेज ये है दोस्तों, आपका फ़ोन जो है वो बहुत ही सिक्योरिटी के बेसिस से बहुत अच्छा रहता है। जैसे आप कभी दूसरी जो प्ले स्टोर के अलावा ऐप्स डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड में, तो वो उनके साथ साथ आपके मोबाइल में मालवेयर और डाल देते हैं। मालवेयर एक इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं दोस्तों, जो आपका पर्सनल डाटा होता है वो जिस ऐप स्टोर से आपने ऐप को डाउनलोड की थी प्ले स्टोर के छोड़ के, वो उसके मालिक के पास उसमें मालवेयर डाल देता है। वो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो उस तरफ ट्रांसफर करता रहता है। इसमें हमारे पास बहुत बहुत कुछ जो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना पर्सनल डाटा मोबाइल में रखते हैं, तो उनका डाटा जो है, कई लोग ईमेल का पासवर्ड रखते हैं, कई बैंक अकाउंट की डिटेल्स रखते हैं, तो सारा का सारा जो डाटा है कभी कभी आपके उनकी निगरानी में आ सकता है और आप बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एप्पल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है, आपको कोई यूज़ करना है
तो आप ऐप स्टोर में जाइए, वहाँ से ही खरीदिए और आप उसको 100% सेटिस्फाइड मानिए। वो जो है रेगुलर अपडेट देते हैं अपनी ऐप्स को और काफ़ी अच्छी तरह उनकी इकोसिस्टम में काम करती हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है इकोसिस्टम का। एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो एंड्रॉयड कोशिश तो कर रहा है लेकिन अभी भी उसको कवर नहीं कर पा रहा है। मैं बात करता हूँ इकोसिस्टम के ऐसे फंक्शंस की। मान लीजिए मेरे पास एक फ़ोन है एप्पल का और मेरे पास एक आईपैड है एप्पल का और मेरे पास एक कंप्यूटर है एप्पल का। मैं पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात पर ध्यान देना। मेरे पास आईफोन है, मेरे पास आईपैड है, मेरे पास मैक है जो कंप्यूटर, इसको मैक बोलता है एप्पल अपने कंप्यूटर को, तीनों हैं। अगर मेरे आईफोन को या अगर मेरे आईफोन पर किसी की कॉल आती है तो आप एक ऐसा फंक्शन होता है उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली आपकी सभी डिवाइसेस पर कॉल जाएगी। यानी आईफोन पर कॉल जा रही है, उसके बाद आईपैड पर भी वही कॉल जाएगी और वही आपकी मैक पर भी जाएगी, आपका एप्पल का कंप्यूटर होता है। जी हाँ, और आप तीनों से ही उस कॉल का जवाब दे सकते हैं। मैं उस कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका स्काइप कॉल या मतलब व्हाट्सअप कॉल, नहीं, जो हम डेली यूज वाली कॉल करते हैं, 2G वाली कॉल बोलते हैं नॉर्मल, जो सोलो आप नोकिया वाली सादा वाली कॉल, वही कॉल की बात कर रहा हूँ। उस कॉल को आप आईफोन से या आईपैड से भी उसे कॉल कर रिसीव कर सकते हैं या आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी जो एप्पल का होता है उससे रिसीव कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, एप्पल का जो इकोसिस्टम है, मान लीजिए मैंने यहां पर कोई चीज़ कॉपी की, ठीक है, मैंने यहां पर कोई चीज़ कॉपी की अपने लैपटॉप से और मैंने पेस्ट क्या कर सकता हूं, मैं अपने जो आईपैड है उसमें जाके पेस्ट कर सकता हूँ उस चीज़ को। जो भी टेक्स्ट मैंने लैपटॉप में कॉपी किया, जो भी डेटा मैंने कॉपी किया, मैं वहाँ पर जाके कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली वो पेस्ट हो जाता है। यानी जो कुछ भी डाटा होता है, जो कुछ भी टेक्स्ट होते हैं, वो अगर आप चाहो तो एप्पल की सारी डिवाइसेस पर भेज सकते हो। साथ ही साथ आपके जो फोटोज़ हैं, आपके जो ईमेल्स हैं, वो सभी के सभी यूज्ड हो जाते हैं, आप कहीं भी कोई चीज़ भूल नहीं सकते। अगर आपको कोई अलार्म सेट करना है तो ज़रूरी नहीं है आप सीरी जो है एप्पल के आईफोन से ही यूज़ करें, आपका मैक है उसमें भी सीरी है, वो आप उस मैक यानी आप लैपटॉप में ही बोल सकते हैं कि मेक ए अलार्म ऑन माय आईफोन एट 7 AM, अर्थात आप 7 बजे का अलार्म लगा दो मेरे आईफोन में 7 बजे का, तो आपका जो लैपटॉप है एप्पल का वो ऑटोमेटिकली 7 बजे का अलार्म आपके आईफोन में लगा देगा। तो ये एक प्रकार का इनका इकोसिस्टम है जो काफ़ी पॉपुलर है और इसी इकोसिस्टम की वजह से इनकी मार्केटिंग चल रही है, इसी इकोसिस्टम की वजह से इनके आईफोन्स बेचे जा रहे हैं और इसी इकोसिस्टम की वजह से जो कुछ भी आज नाम कमाया है एप्पल ने वो सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय जो जाता है वो इसका इकोसिस्टम की वजह से। जरा माफ करना दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगली बात करते हैं अपडेट की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। आपको पता होता है आपके जो एंड्रॉयड फोन्स होते हैं वो कमिटेड होते हैं मिनिमम 2 ईयर्स अपडेट के। यानी आप जो अपने एंड्रॉयड हैं, अगर आपने एंड्रॉयड 7.0 जो होता है आपका नॉगट वाला या एंड्रॉयड 8.2 पर आपने फ़ोन लिया है, जो आपका एंड्रॉयड वर्जन है, वो सिर्फ आपको 2 साल तक अपडेट देगा। यानी अगले 2 साल तक या जो भी उसकी रेगुलर अपडेट आ जाती है वो, यानी 2 साल के बाद आपको किसी भी मोबाइल में अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एप्पल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आईफोन 4S जो 2011 में आया था उसे पिछली साल 2017 तक रेगुलर अपडेट्स मिलती रही थी। जी हाँ, रेगुलर अपडेट्स उसको मिलती रही थी, लगभग 5-4 साल तक उसे रेगुलर अपडेट्स मिलती गई। लेकिन एंड्रॉयड में अगर वहीं अगर आप फ़ोन देखेंगे तो एंड्रॉयड का फ़ोन जो होता है वो 2 साल से ज़्यादा आपकी अपडेट नहीं ले पाता है। आप कोई भी फ़ोन ले लीजिए, आपके जो एंड्रॉयड्स जो होता है उसमें साफ साफ लाइसेंस में लिखा रहता है हम आपको 2 साल से ज़्यादा या 2 जो मेजर अपडेट्स होती हैं इनमें से जो पहले हो, या तो हम आपको 2 मेजर अपडेट दे देंगे या एंड्रॉयड ओ, जैसे आपने एंड्रॉयड एन ले लिया तो एंड्रॉयड ओ और एंड्रॉयड पी हम आपको दे देंगे, या जो पहले हो गया अगर 2 साल पहले हो गई तो आगे की आपको वो चीज़ें
नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है एंड्रॉयड यूजर्स के साथ कि वो आपके जो रुपए, चाहे आप 50,000 का नोट 8 ले आए, 60,000 का जो भी आ रहा है इस टाइम, तो वो सिर्फ साल दो साल ही उसकी अपडेट आएगी। 2 साल बाद किसी प्रकार की कंपनी जो है उसको सिक्योरिटी अपडेट देना या सॉफ्टवेयर अपडेट देना बिल्कुल बंद कर देती है। लेकिन एप्पल के साथ ऐसा नहीं है, वो सालों साल अपडेट देती रहती है जब तक उनका हार्डवेयर होता है वो उसको सपोर्ट करता है। सो लास्ट पॉइंट है वाइस वर्सा, मीन्स इसमें कुछ भी पॉइंट का मतलब ये है इसकी पॉपुलैरिटी की, मतलब कहीं भी आप एप्पल का जो लोगो वाला जो फोन होता है आप लेके कहीं मार्केट में निकल जाओ तो कहीं ना कहीं जो नजरें होती हैं वो एप्पल के फोन पर चली जाती है और मन में सोच लेता, हाँ भाई इसका एप्पल का आईफोन है, बेशक उसका छोटा हो, कबाड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन एक एप्पल की पॉपुलैरिटी इतनी बनी हुई है कि एंड्रॉयड का आप लेटेस्ट वाला गूगल पिक्सल 2 जो लगभग अभी 68-70 हज़ार रुपये का है, या अभी डिस्काउंट करके वो 50,000 रुपये का दे रहे हैं, या आप गैलेक्सी नोट 8 जो भी 60-62 हज़ार का है वो आप लेके निकल जाओ, उस पर उसकी निगाहें किसी भी बंदे की नहीं टिकेंगी। और आपको बताना भी पड़ सकता है भाई गैलेक्सी का ये नोट 8 है, कोई कहे भाई कौन सा मोबाइल है, भाई कौन सा मोबाइल है, आपको बार बार रिपीटेड बताना पड़ेगा। लेकिन एप्पल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, बस एप्पल का लोगो देख लिया उसके दिमाग में तुरंत पहुंच जाती है किसका भी आईफोन है, बस बात खत्म। फिर उसको बताने की जरूरत नहीं है आईफोन कैसा है, किस कंपनी का है, कितने का आया होगा, क्योंकि आईफोन जो आता है वो 40-50 हज़ार से ऊपर से ही रुपए आया, अभी तो भाई साहब उनका 1 लाख रुपए का चल रहा है। तो जो एप्पल जो अपने डिवाइसेस बनाता है वो आइकॉनिक बनाता है, यानी जैसे ही उनकी नज़रों में जाता है किसी व्यक्ति के में तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्शन ऐसा आ जाता है उसकी आंखों में, तो फटाक से कह देता है हाँ भाई ये आईफोन है। वो उसकी वजह से नहीं, वो जो लोगो होता है उसका पीछे वो सिर्फ उसी की वजह से होता है। डिज़ाइन में भी उनका इम्प्रूवमेंट रहता है, बॉडी की जो होती हैं उनकी भी इम्प्रूवमेंट रहती है, काफ़ी अच्छा ये डिज़ाइन भी करते रहते हैं और मार्केटिंग भी इसी अच्छी रहती है। तो दोस्तों ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ करना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। मैं फ्यूचर में मिलते रहेंगे आपसे, अपडेट तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन को दबा देना, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जैसे फ्यूचर में जो अपलोड्स होते हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहें। मैं मोहित, तो आप इजाज़त लेता हूँ आपसे अगली वीडियो तक की, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।